माधव ब्लॉग में। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को जय श्री राम। आज हम पहुंच चुके हैं पटना के सबसे फेमस मंदिर हनुमान मंदिर में, जो कि यह हनुमान मंदिर पटना रेलवे स्टेशन के सामने में ही पड़ता है दोस्तों। और यह मंदिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये सबसे पटना का सबसे फेमस और बड़ा हनुमान मंदिर है। और मेरे वीडियो में जो पहली बार आए हैं दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी यूट्यूब पर वीडियो छोड़ूंगा सबसे पहले आपको पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बने रहे और लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे ही महावीर मंदिर के अंदर आप लोग प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर जूता काउंटर और चप्पल काउंटर का व्यवस्था यहाँ पर रखा गया है, जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों। कई भाई लोग यहाँ पर जूता जमा कर रहे हैं। और दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर नल का व्यवस्था रखा गया है, जो कि यहाँ पर आप लोग को पैर हाथ धोकर ही अंदर प्रवेश करें। ये रहा दोस्तों महावीर मंदिर का फर्स्ट व्यू, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यही सीढ़ी से हम लोगों को मंदिर के अंदर जाना है। और इधर ही रहा दोस्तों बजरंग बली का ध्वज। और मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को, मंदिर के अंदर ही आप लोगों को यहाँ पर प्रसाद का दुकान यहाँ पर मिल जाएगा। फाइनली हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एक तरफ पुरुष का लाइन और दूसरे तरफ महिलाओं का लाइन रहता है। और अभी 3:30 हो रहा है। और मैं बता दूं दोस्तों, यह देश का एकमात्र हनुमान मंदिर है, जो कि हनुमान जी का दो विग्रह है, एक मनोकामना है पूर्ण और दूसरे दुख हरण हनुमान जी विराजमान हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फर्स्ट फ्लोर की ओर जाते हैं। और यह देख सकते हैं दोस्तों, एक पेड़ है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिखने में लग रहा है। फाइनली दोस्तों, अभी हम लोग यही रास्ता से ऊपर आए हुए हैं सेकंड फ्लोर पर, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है। और मैं बता दूं दोस्तों, सेकंड फ्लोर से आप लोगों को पटना रेलवे जंक्शन का बहुत अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसके ऊपर और एक फ्लोर है, तो ऊपर भी हम लोग जाएंगे, वहां का भी व्यू दिखाएंगे। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को हम दिखाते हैं यहाँ पर क्या क्या मूर्तियाँ बनी हुई है सेकेंड फ्लोर पर। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, कई श्रद्धालु लोग यहाँ पर आराम कर रहे हैं। और इधर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे बजरंगबली का ध्वज झंडा लहराया गया है। और इधर दोस्तों देख सकते हैं, आप लोगों को हम बोले थे कि पटना रेलवे जंक्शन यहाँ से काफ़ी खूबसूरत व्यू दिखता है भाई साहब। और ये रहा हमारा तिरंगा झंडा, जो कि हमारी आन बान शान है दोस्तों। और यहाँ यह काफ़ी खूबसूरत दिखने में लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह मंदिर सारे संगमरमर के पत्थर के बने हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर भीड़ भी देख सकते हैं भाई साहब। हम लोग फाइनली थर्ड फ्लोर पर पहुँच चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ का क्राउड भीड़। और यहाँ से दोस्तों आप लोग को इस मंदिर पर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को अलग ही मज़ा आएगा दोस्तों, मन को शांति महसूस होगी। और यहाँ से मैं और एक चीज़ दिखाऊँगा, जो कि यहाँ से दिखता है ओवर ब्रिज, तो ओवर ब्रिज में भी दिखाऊँगा। सबसे सुंदर देश अगर इस दुनिया में कोई है वो भारत देश है भगवान। ये देख सकते हैं दोस्तों, कोयला से चलने वाले ट्रेन, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, ये सिर्फ इसका इंजन है, जो कि इसमें कोयला डालते थे, उसके बाद ये ट्रेन चलती थी।
वही ट्रेन है। इधर देख सकते हो दोस्तों पटना रेलवे जंक्शन, जो कि यहाँ पर चित्रकला का भी अद्भुत प्रदर्शन किया गया है। और इधर देख सकते हैं हमारे तिरंगा झंडा को, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से दिखाई पड़ता है पटना रेलवे जंक्शन का, जो कि आप देख सकते हैं। और ये तिरंगा झंडा लगाया गया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पटना रेलवे जंक्शन का। और इधर देख सकते हैं कई लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। और दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर थक जाते हैं तो यहाँ पर आराम कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एकदम शीतल हवा चलती है। और इधर से देख सकते हैं दोस्तों फाइनली यही मंदिर का प्रवेश द्वार है। हम लोग शुरू में इधर से ही इधर मंदिर में प्रवेश किए। और ये टेंट अभी लगा हुआ है जो कि, और इधर बगल में देख सकते हैं काम चल रहा है। ए भारत माँ तेरी माटी तेरा देश पह। ये रहा दोस्तों ओवरब्रिज, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।